तो दोस्तों आपका फ़ोन का रैम आपका फ़ोन का नहीं आपका कंप्यूटर का या फिर स्मार्ट वॉच का या फिर टैबलेट का फिर कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें रैम हो या आपका एंड्रॉइड फ़ोन का रैम रैम जो होता है उस डिवाइस का फास्टेस्ट मेमोरी होता है मतलब सबसे फास्ट काम करता है कैसे क्योंकि उसका रीड और राइट का स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होता है मतलब आप कुछ डाटा उसमें सेंड करेंगे या फिर उससे कुछ डाटा एक्सेस करेंगे तो उसका स्पीड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क से रॉम से इंटरनल स्टोरेज जो आप कहते हैं फ़ोन से उससे कहीं गुना ज़्यादा है अब आप अपने फ़ोन पे गेम्स खेल रहे हैं कोई भी ऐप यूज़ कर एक्सेस कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं उसमें रैम का जो है बहुत बड़ा हाथ होता है मेनली हर कोई काम अगर स्पीड पे हो रहा है वो सिर्फ प्रोसेसर डिपेंड नहीं करता क्योंकि प्रोसेसर अच्छा हुआ तो जो है आपका फ़ोन फ़ास्ट चलेगा स्पीड में चलेगा ऐसा नहीं है रैम का भी बहुत बड़ा हाथ होता है अगर रैम आपके फ़ोन में कम होगा तो आपका फ़ोन का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि रैम जो है फास्टेस्ट मेमोरी होता है अब एक बात आप देख लीजिए क्योंकि रैम जो है फास्टेस्ट मेमोरी है और रैम इतना सारा काम करता है इसलिए रैम का प्राइस भी देखिए बहुत ज़्यादा होता है अब मान लीजिए आप एक फोर का रैम का प्राइस लगभग पाँच सौ जी के हार्ड डिस्क ड्राइव के जैसा मतलब सेम ही होगा नॉर्मल एंड्रॉइड फ़ोन में आपका टू का रैम जो है उस प्राइस में आपको सिक्सटी का मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव मिल जाएगा जाहिर सी बात है रैम का मतलब परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है स्पीड भी ज़्यादा है और प्राइस भी ज़्यादा है ऐसे पे बहुत लोग मतलब सवाल करते हैं मेरे पास तो बहुत सारा ऐसा मतलब कमेंट आया था ईमेल आया था कि भाई मेरा एंड्रॉयड फ़ोन जो है बहुत बैक डेटा है रैम बहुत कम है इसका मैं रैम एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँ ठीक है तो जी हाँ आप रैम तो एक्सपेंड कर सकते हैं लेकिन सच्ची मायने में बोलूँ तो नहीं कर सकते मतलब कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते हैं अजय सा कन्फ्यूज़न है मैं क्लियर कर देता हूँ अब मान लीजिए आपका फ़ोन का जो इन जो है टू जी बी रैम मान लीजिए आपका फ़ोन में दिया हुआ है या फिर वन जी बी रैम आपका फ़ोन में दिया हुआ है आप उसको एक्सपेंड करके तीन जी बी या चार जी बी करना चाहते हैं ठीक है तो वन जी बी जो जो इन बिल्ट रैम है वो तो बहुत ही अच्छा रैम है हाई परफॉर्मेंस का रैम है उसका स्पीड रीड और राइट बहुत ज़्यादा है अब आप उसमें अगर एक्स्ट्रा टू जी बी का रैम ऐड करेंगे भी बिना रैम खरीद के ऐसे नॉर्मली मेमोरी कार्ड को या फिर इंटरनल स्टोरेज को एज ए रैम यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं लेकिन उसमें आपका मतलब फ़ायदा क्या होगा हाँ थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा वन जी रैम जो है आपका फ़ोन में थोड़ा सा अगर टू जी बी कर दें थोड़ा सा तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा तो अगर आप एक्सपेंड करें रैम को एक्सपेंड करें इंटरनल स्टोरेज या फिर मेमोरी कार्ड को रैम में कन्वर्ट करें तो अच्छा तो कुछ होगा लेकिन उससे कई ज़्यादा बुरा ही होगा अपने फ़ोन पे अपना फोन पे बहुत बैड इफेक्ट भी आएगा वो क्यों मैं बोल दे रहा हूँ मान लीजिए आपके फ़ोन रैम का एक्सपेंड करके तीन कर दिए आप वन है एक्सपेंड करके तीन कर दिए अब उस तीन में वन जो रैम है वो तो बहुत ही अच्छा रैम है उसका रीड और राइट स्पीड बहुत ज़्यादा है बहुत ही फास्ट है ठीक है अब बाकी का जो जी रैम है वो आप इंटरनल स्टोरेज से ले रहे हैं या फिर एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड से ले रहे हैं अब वो तो एज ए रैम काम करने के लिए बना नहीं वो इतना फास्ट तो आप काम नहीं कर पाएगा एक नॉर्मल मेमोरी कार्ड का रीड एंड राइट स्पीड कितना होता है अगर क्लास टेन लीजिए तो फोर्टी एट और रैम का तो बहुत ज़्यादा होता है तो आप वैसे उसी तरह से तो काम नहीं करा सकते ना जाहिर सी बात है तो आपका आपका फ़ोन में क्या हो गया थोड़ा सा रैम बहुत स्पीड को में काज कर काम कर रहा है और थोड़ा सा रैम बिल्कुल बेकार काम कर रहा है तो इसमें आपका फोन का जो है क्रैश होने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है आपका फ़ोन जो है क्रैश हो सकता है आपका मेमोरी कार्ड जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको जो है क्रैश कर सकता है और एक बात है अगर आपका मेमोरी कार्ड को आप एज़ ए रैम यूज़ कर रहे हैं अब अचानक से आपको रैम जो है मेमोरी कार्ड जो है ओपन कर दिया अब तीन जी बी आपका सिस्टम दिखा रहा है कि तीन जी बी रैम है अचानक से फटाक से टू जी बी रैम गायब यूज़ करते करते तो आपका फ़ोन भी ब्रेक हो सकता है फ़ोन भी ख़राब हो सकता है तो ये तो वो सारी बातें होगी कि रैम कैसे मतलब रैम एक्सपेंड करने में क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है रैम कैसे काम करता है ये सब अगर आपको फिर भी रैम एक्सपेंड करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है रोहित सॉफ्ट रैम एक्सपेंडर यही एक, एक एप्लीकेशन है जो मतलब ज़्यादा अच्छा काम करता है और इसके लिए आपको रूट परमिशन लगेगा तो रूट परमिशन दे दीजिए और यहाँ से आप अपने एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड से या फिर इंटरनल स्टोरेज से कोई भी मतलब मेमोरी लेके यहाँ पे एक्सपेंड करके एज ए रैम ट्रीट करा सकते हैं लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा अगर आप अपने इंटरनल स्टोरेज से पाँच सौ या फिर वन रैम लेते हैं वन का स्पेस लेते हैं रैम के लिए तो आपके इंटरनल स्टोरेज का जो है वन जी रैम वन जी स्टोरेज चला जाएगा और वो एज ए रैम काम करेगा और अगर आप एक्सटर्नल स्टोरेज से ले रहे हैं तो एक गलती कभी मत कीजिए जब आप उसको रैम एज ए रैम यूज़ करेंगे तो जो है इंटरनल एक्सटर्नल एच कार्ड को कभी मत रिमूव कीजिए लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि रैम एक्सपेंड करना चाहिए या नहीं चाहिए तो मैंने सारा रीज़न तो आपको बता दिया फिर भी मैं बोल रहा हूँ रैम एक्सपेंड मत कीजिए आपका फ़ोन जितना रैम है ठीक है उसी में चलाइए अगर प्रॉब्लम है तो फ़ोन चेंज कर दीजिए रैम नहीं ठीक है तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिए और क्या सीधे देखते रहिए रूल ब्रेकर जय हिंद